तो सेल दिस एंड गेट डबल प्रॉफिट गाइज, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट टिप्स देने वाला हूँ। ये नवंबर और दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, इस चार महीनों में आप काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो अपने सोशल मीडिया को यूज करके, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, खासकर आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन दो चीजों पर अगर ये चीज आप अप्लाई करते हो तो आप काफी ज्यादा अर्निंग करने वाले हो। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, आपको पता होगा कि ये चल रहा है फोर क्वाड्रेंट, मतलब ये जो ऐसा एरा है, ऐसा समय है साल का जहां बहुत ही ज्यादा चीजें बिकती हैं ई कॉमर्स पे। ई कॉमर्स यानी आपको पता ही होगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मतलब इंटरनेट के द्वारा काफी ज्यादा चीजें बेची जाती हैं। क्यों, क्योंकि ये जो लास्ट का समय होता है यहाँ काफी ज्यादा त्यौहार पड़ते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा त्यौहार जो है इस समय लास्ट में आने वाला, वो है क्रिसमस। गाइस, क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जहां जो फॉरनर हैं वो इतना ज्यादा शॉपिंग करते हैं, मतलब उनका सबसे बड़ा त्यौहार है, उनका एक ही त्यौहार है। तो इस समय ऐसे बहुत सारी चीजें पड़ती हैं जहां लोग बहुत ही ज्यादा शॉपिंग करते हैं, और न्यू ईयर भी आता है, इसके वजह से लोग काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं। और अपने इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं, जैसे दीपावली अभी गया, और ऐसे काफी सारे त्यौहार आने वाले हैं। तो इस समय जो शॉपिंग का है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज, मतलब एक बहुत ही बड़े मात्रा में की जाती है शॉपिंग। आप इंटरनेट पे भी फोर क्वाड्रेंट के बारे में सर्च कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मुझे पता है कि फोर क्वाड्रेंट के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि वो ई कॉमर्स साइट पे काम नहीं करते हैं। लेकिन गाइस, मैं बता दूं, ये एक ऐसा समय है जहां आप बहुत ही ज्यादा अर्निंग कर सकते हो और कुछ भी बेच सकते हो। तो मैंने पहले वीडियोस में आपको बता दिया है कि कैसे आपको इंस्टाग्राम सेटअप करना है, कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, ठीक है। फेसबुक के बारे में नहीं बताया हूं, अगर आप बोलोगे तो मैं फेसबुक के बारे में भी आपको बता दूंगा कि उसको भी कैसे सेटअप करके वहां कैसे मार्केटिंग करनी है, ठीक है। उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। और गाइज, ये वीडियो अगर आपको वैल्यू देती है, अगर आपको पसंद है ऐसी वीडियो जो आपको काफी ज्यादा पैसा दे सके, ऐसी मनी मेकिंग आइडियाज ऑनलाइन, तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल का आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि हमारी जो फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो सके और हम काफी ज्यादा अर्निंग कर सके मिलके, और मैं आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आपके फोन तक पहुंचाते रहूं। इस वीडियो को कर देना लाइक ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहूं। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन आफ्टर द सब्सक्राइबिंग चैनल। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो। सो दोस्तों, आपको करना क्या है, बहुत ही ज्यादा इजी दूंगा गाइस, क्योंकि मेरा जो मानना है यह है कि वैल्यू लो, वैल्यू दो, और फिर लोगों को एक्शन लेने के लिए मतलब पूरे तरह से बाधित कर दो, मतलब ऐसा बोल दो कि उनको एक्शन लेना ही पड़े। इसलिए मेरा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो बिल्कुल सिंपल और सीधा रहता है कि लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और लोग सीधा जाकर उस पर एक्शन लें। तो इसलिए मैं जो भी कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ वो सीधा सीधा लेके आता हूँ कि ये टॉफी है तो इसको खाना है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, और उसको मतलब कूटना उठना नहीं है। तो मैं सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, ये भी बिल्कुल वैसा ही एकदम सीधा बिजनेस है, सीधा कॉन्सेप्ट है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई भी एफिलिएट में जाके आईडी रजिस्टर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये काम करना है, ये काम करना है कि आपको जाना है सोशल मीडिया साइट्स पे, आपको जाना है ई कॉमर्स साइट पे, और चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, बिग बॉन्ट हो, या दुनिया का कितना बड़ा भी ई कॉमर्स साइट हो या वो शॉपिफाई स्टोर हो, तो आपको वहाँ जाना है और वहाँ लो प्रोडक्ट्स जो होते हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्ट, मतलब जिनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, ऐसे प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है जाकर, ठीक है, जिनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। गाइस, मैं पहले बता दे रहा हूँ, जिनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम रहता है और जो ट्रेंड में रहते हैं, आप कंडल वंडल, ये जो होता है ना, कंडल वंडल होता है जिसका यूज़ करते हैं क्रिसमस में, और ग्रीटिंग कार्ड्स, और ये जो होते हैं ना, ये बहुत कम कॉस्ट करते हैं। मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने इस लिस्ट में, ठीक है। तो ऐसे जाके आपको 20 से 25 प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं जो एकदम लो कॉस्ट के हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं देखना, एफिलिएट कमीशन के बारे में कुछ नहीं देखना, और आपको जाके अपना अकाउंट जो है आपका इंस्टाग्राम का और फेसबुक का या ट्विटर का, लेकिन मैं बोलूंगा फेसबुक और इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करना, वहां जाके सेटअप कर लेना है, ठीक है। अब मान लो आपको लो कॉस्ट प्रोडक्ट जो है वो आपने फाइंड कर लिया 100 रुपए में, 200 रुपए में, ठीक है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, या 2000, 3000, 5000 तक के प्रोडक्ट आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लो कॉस्ट करने की कोशिश करना कि वो 1000 तक के नीचे ही रहे, तभी आपको उस पर डबल प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्त क्या होता है, लोग बहुत ही ज्यादा आलसी है, ठीक है,
उनको नहीं करना, उनको ये सबके बिजनेस के बारे में भी नहीं पता और उनको सर्च वर्च करने से कोई भी मतलब नहीं है, उनको बस एक प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो खरीदेंगे। तो आपको बेसिकली करना क्या, आपको प्रोडक्ट वहाँ से उठाना है और अपने उसमें डाल देना है अपने फीड्स में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, लोग आपका प्रोडक्ट जैसे ही देखेंगे, और गाइज मैं बता दूँ सही जगह टारगेट करना अपने प्रोडक्ट को, जहाँ बेचना चाहते हो उनको टारगेट करना। तो जैसे ही वो आपके प्रोडक्ट को देखेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको DM करेंगे, आपको मैसेज करेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है। तो आप जो क्या करोगे, जो प्रोडक्ट आपने 1000 रुपये का उठाया था तो आप उसको डबल 2000 में बेचो, वो नहीं जाने वाले, बहुत ही कम केस में, मतलब 100% केस में सिर्फ 10% या उससे भी कम ले लो यार, सिर्फ 5% या उससे भी कम ले लो, मैं तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मैं बड़ा ही लेके चलता हूँ, ठीक है। मान लो 10% लोग हैं तो वो लोग जाएंगे सर्च करने, तो बहुत ही रेयर केस है, ये सोचो ही मत, मत सोचो, वो जाएंगे सर्च करने ये कितने का मिलेगा, और ऐसे मतलब इंडियंस ही कर सकते हैं। और मेरा जो कहना है वो आप बाहर के लोगों को टारगेट करो, क्योंकि वहाँ जो आपका सेल है वो बहुत ही तेज होगा, इस समय सेलिंग बहुत ही तेज होगी। आप किसी से भी पूछ सकते हो, कोई भी ई कॉमर्स मार्केटर, एफिलिएट मार्केटर, किसी से भी पूछो, इस समय उनका मतलब दिन चलता है, दिन जैसे हमारा दिन आता है ना, बोलते हैं दिन, हर कुत्ते का दिन आता है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर कुत्ते का दिन आता है ना, वैसे ई कॉमर्स में जितने कुत्ते हैं वो हमारा दिन है, ये हमारा दिन है, यहाँ हम बहुत ही ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं सामान बेच के। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है आपको, बस वहाँ सामान उठाना है, वहाँ पिक करना है, उनका कोई भी लोगो वो यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ये सामान जैसे ही आपको ऑर्डर मिलेगा आपको उनके एड्रेस पर ऑर्डर दे देना है और उनसे पैसे ले लेना है, बस यही काम करना। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, यही काम हम ई कॉमर्स, शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग में भी करते हैं, लेकिन वहाँ हम बहुत ही ज़्यादा तामझाम करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें बता दिया हूँ, और ये चीज़ अप्लाई होती है, फास्ट मनी मेकिंग इससे ही की जा सकती है। जैसे मैंने सुबह आपको एक वीडियो दी थी शायद, जिसमें आपको देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देखो, उसमें मैंने बात की है, तो वही चीज़ जो है यहाँ मैं आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ। तो आप ऐसे करके कर सकते हो, आप कोई भी अमेजोन का सामान उठाओ अपने में डाल दो, अगर वो 100 रुपये का है तो आप 200 रुपये दे दो, अगर वो 1000 रुपये का है तो आप 2000 दे दो, वो आपके ऊपर है, आप 50% भी कमीशन ले सकते हो, आप दुगुना भी ले सकते हो, आप 3 गुना भी ले सकते हो, आपको लगता है इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है और ये तो मिल रहा है 300 रुपये में, अरे 300 रुपये में मिल रहा है, लगाओ इसको भी 1000-1200 रुपये लगाओ, तो वो भी बिकता है गाइज, वो भी बिकता है। मैं बता दूँ ये हमारी क्वालिटी है हम इंडियंस की, कि हम एक प्रोडक्ट को लेके 10 वेबसाइट पे सर्च करते हैं, बाहर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और गाइज मैं ये हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, आप खुद ही लोगों से कंफर्म कर सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो, और मैंने पहले भी कहा है मैं यहाँ सब चीज़ें रिसर्च करके लाता हूँ और जो प्रूवन मेथड्स है वही लेके आता हूँ। बहुत सारे लोग कर रहे हैं इसको, आप फ्लिप बोलते हैं, ठीक है, फ्लिपिंग करना भी बोलते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको फ्लिपिंग नहीं बोलते हैं, फ्लिपिंग बोलते हैं कि अमेजोन का सामान उठा के किसी और साइट पर फेंको तो वहाँ से अर्निंग होगी। नहीं, मैं एक ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट ही दे रहा हूँ आपको, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हो। और भी कुछ डिस्कशन करना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन गाइज मैं बता दूं ये बहुत ही अच्छा समय है, अगर आप सोच रहे हो कि आप सेलिंग वेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो गो फॉर इट, और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा मनी मेक करोगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और गाइज प्लीज़ हमेशा मैं कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, प्लीज़ टेक एक्शन, नहीं तो इतना जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल वेस्ट है आपके लिए और मेरा भी टाइम वेस्ट है। तो प्लीज़ गाइज टेक एक्शन और गिव अ 1 comment, 1 good comment, कि मुझे भी वो मोटिवेट करे, एंड गिव 1 like। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। Bye-bye. Thank you for watching.